कैप्टन साहब को साथ देना चाहिए पार्टी का, क्योंकि बहुत लंबा समय पार्टी के साथ रहे हैं, पार्टी ने दो बार मुख्यमंत्री भी उनको बनाया है। तो पार्टी में जब कोई चेंजेस आती हैं तो हर बार जब कैप्टन साहब भी बनते थे तो चेंजेस ऐसी आई थी। प्रताप बाजवा जी को उतारा गया तो किसी को पूछा थोड़ा ना गया कि आपको क्यों उतारे हैं या क्यों, उनको बस उतार के नया बना दिया गया, एक चिट्ठी आई। आपको लगता है जो हरीश रावत कह रहे हैं अपने बयान में कल, जो उन्होंने कहा कि कैप्टन विफल रहे उन वादों को पूरा करने में जो वादे करके कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी। कैप्टन साहब ने जो वादे पहले चोन मैनिफेस्टो में किए उनका कहना है कि मैं 80% कम्प्लीट किया, लेकिन उसके बाद एक कांग्रेस पार्टी ने उनको 18 अनुगाती प्रोग्राम दिया था जी। जो बात 18 अनुगाती प्रोग्राम पे वो हरीश रावत और कैप्टन साहब ही करते थे, तो कुदरती बात है जब वो काम नहीं हुआ होगा तो पार्टी ने चेंज किया होगा, काम हो जाते तो वो चेंज नहीं होनी थी। तो ये तो बात अब हाईकमांड ने और कैप्टन साहब में और हरीश रावत में हो रही है, तो ये तो तीनों जानते हैं ना, और इसीलिए तो चेंजेस आई है, क्योंकि तकरीबन सारे MLA साहबान ये महसूस कर रहे थे, उनकी महसूस को देखते हुए ये चेंजेस हुई है। कैप्टन साहब ने कल भी कहा, एक एक सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया, एक पार्टी के ऐसे नेता को जो 50 साल का सार्वजनिक जीवन में हो, प्रभारी हरीश रावत एक एक पॉइंट पे उनको बता रहे हैं कि आप यहाँ गलत थे, आपने फ़ोन नहीं उठाया, जो जो चीज़ें उनके खिलाफ थी वो सारी बातें कही, कैप्टन साहब फिर भी कह रहे हैं कि उनको पार्टी ने अपमानित किया, क्या वाकई अपमानित करके आप? देखिए कैप्टन साहब, मैं बोल रहा हूँ वरिष्ठ नेता हैं हमारी पार्टी के, हम तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बातें अब जो हुई हैं ये तकरीबन शुरू से होती आ रही है। हर पार्टी का CM बनता है, जब कोई अध्यक्ष चेंज होता है तो ऐसे ही होता है, पार्ट कैप्टन साहब तो खुद इसका पार्ट रहे हैं। तो अब तो इनको हमारी जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार दो बार बनाई है, उनके साथ खड़े होना चाहिए कैप्टन साहब को। ये सरकार किसी लीडर की नहीं होती, सरकार जो लोग होते हैं उनकी होती है, जो लोग सरकार को बनाते हैं, जैसे हमारे जो कार्यकर्ता उन्होंने सरकार बनाई है, अब वो नई सरकार बनाने की तैयारी में जा रहे हैं तो कैप्टन साहब को उनकी मदद करना चाहिए। उन्होंने सरकार बनाई, कैप्टन साहब CM बने, अब वो कार्यकर्ता की मदद कैप्टन साहब को करनी चाहिए। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, अब वो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, ये बातें जो हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए, ये पार्टी को नुकसान पहुँचाती है, अब कृपा करके ये सब लोग इकट्ठे होकर कांग्रेस पार्टी को 2022 में सरकार बनाने में मदद कीजिए। आप कह रहे हैं मदद करनी चाहिए, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिलते हैं, वो BJP से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं, तो कांग्रेस को तो नुकसान पहुँचाने के लिए देखो, बढ़ा रहे। देखो मिलने के लिए मिले, कोई और भी मिलते होंगे, उसको हम इस तवज्जो नहीं देते, लेकिन उसके बाद वो खुद ट्वीट करके कह रहे हैं मैं पार्टी में नहीं रहूँगा। हाँ। हम उसकी बात करते हैं, वो उससे भी आगे जा चुके हैं अमित शाह, तो मिलना ही मिलना है, वो अलग बात है, वो MLA रहते हुए Chief Minister हैं अभी, पार्टी से सॉरी चीफ मिनिस्टर पद से हटे हैं, तो उनको मिलने में कोई पति नहीं है, किसान के लिए किसी के लिए भी कोई मिलने जा सकता है। लेकिन उसके बाद जो उनका कहना है कि मैं पार्टी में नहीं रहूँगा, और फिर ये शंके खड़े होते हैं कि क्यों मिलते हैं उनसे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, नवजोत सिंह सिद्धू को लेके क्या स्टेटस है? संकट सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से नहीं है, नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से अड़े हैं कि उनकी मर्जी से चीफ मिनिस्टर चलेंगे, उनकी मर्जी से अपॉइंटमेंट होगा तभी वो उनके साथ रहेंगे, तो ये स्टेटस क्या है? क्या वो BJP से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं, तो कांग्रेस को तो नुकसान पहुँचाने के लिए बढ़ा रहे हैं? देखो मिलने के लिए मिले, कोई और भी मिलते होंगे, उसको हम इस तवज्जो नहीं देते, लेकिन उसके बाद वो खुद ट्वीट करके कह रहे हैं मैं पार्टी में नहीं रहूँगा। हम उसकी बात करते हैं, वो उससे भी आगे जा चुके हैं अमित शाह, तो मिलना ही मिलना है, वो अलग बात है, वो MLA रहते हुए Chief Minister हैं अभी, पार्टी से सॉरी चीफ मिनिस्टर पद से हटे हैं, तो उनको मिलने में कोई पति नहीं है, किसान के लिए किसी के लिए भी कोई मिलने जा सकता है। लेकिन उसके बाद जो उनका कहना है कि मैं पार्टी में नहीं रहूँगा, और फिर ये शंके खड़े होते हैं कि क्यों मिलते हैं उनसे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, नवजोत सिंह सिद्धू को लेके क्या स्टेटस है? संकट सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से नहीं है, नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से अड़े हैं कि उनकी मर्जी से चीफ मिनिस्टर चलेंगे, उनकी मर्जी से अपॉइंटमेंट होगा तभी वो उनके साथ रहेंगे, तो ये स्टेटस क्या है? क्या उनका इस्तीफा वापस ले लिया गया, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया? नहीं, वो तो सॉर्ट आउट हो ही गया है, लेकिन जो नवजोत सिद्धू जी हैं वो तो सारी पंजाब की कांग्रेस के सुप्रीम है, फादर फिगर हैं कांग्रेस के इस समय की, उनका जो है कांग्रेस को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। मुख्यमंत्री सही काम करे, मंत्री सही काम करे ना करे, ये बैठकर उन्होंने पंजाब प्रदेश कांग्रेस में उसको ठीक करना है। उनके साथ सारी पार्टी खड़ी है नवजोत सिद्धू जी के साथ, क्योंकि वो प्रधान है, उनको ये महसूस करना चाहिए कि जितने MP हैं, जितने MLA हैं, जितने कार्यकर्ता हैं पार्टी के, अब वो उनके हेड हैं। कोई भी पार्टी में काम या सरकार में नहीं ठीक हो रहा तो वो सबके साथ बात कर सबको साथ खड़ा करें,
तो ये मीडिया में जाने की बजाय, रिज़ाइन करने की बजाय, हमें यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब मिलकर 2022 की सरकार बनाओ। चन्नी जी का कद सरकार ने, जैसे अब मैंने आपको बताया कि उनको जब से पॉइंट मिली है, डे बाई डे वो बढ़ रहे हैं। तो सिद्धू साहब तो खुद कहते थे मेरा छोटा भाई है कि मैं चन्नी साहब के साथ हूँ। तो जब छोटा भाई बढ़ रहा है, एक परिवार में फैमिली बढ़ रही है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए कि ये हमारा जो ये परिवार का मेंबर आगे बढ़ रहा है। तो बाप को तो खुशी होती है ना उसके जो एक बच्चा आगे जाएगा। तो मेरा नवजोत सिद्धू पूरे खुश है अंदर से, और कोई ऐसी बात नहीं होगी। कुछ थोड़ी छोटी मोटी बात रह जाती है, कुछ दिक्कत आ जाती है, वो दूर कर ली जाएगी। धन्यवाद उजला साहब। उजला साहब का साफ तौर से कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि चरणजीत सिंह चन्नी अच्छा काम कर रहे हैं, और हौसला अफजाई करना चाहिए। मीडिया में जाने और इस्तीफा देने से अच्छा होगा कि वो सबको साथ लेकर आगे चले। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। अलीशा बेगम एक औरत दा दुख एक औरत ही समझ सकती है। रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है। मेरे कीते नु कोई कट नहीं सकदा। काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं। परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण इक सच्चाई है। वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटो मैक्स। 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे। अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी। कहने तो बाहर है, तुरंत संपर्क करो, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जावेगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थामा तो निराश अते मायूस होने वाले, एक बार फोन जरूर करो, जिवे चाहोगे ओवे होएगा। इट्स माय प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट। ओपन चैलेंज, इल्मा दे माहिर ए टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी। अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा। नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जा दुटोना, मनमोहणी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ, रुसे नु मनाओ। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।